हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो जितने भी आपके यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो बीटीई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक नया अपडेट आया है यूराइज पोर्टल से। जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हों, चाहे सेकेंड ईयर के हों, चाहे थर्ड ईयर के हों, सभी लोग अपना टाइम टेबल जो है यूराइज पोर्टल से बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई कन्फ्यूजन है जो बोर्ड के द्वारा टाइम टेबल जारी किया गया है उसमें, तो बिल्कुल अपने यूराइज पोर्टल पे जाके वहाँ से अपने जो भी उसका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कब होगा वहाँ पे देख सकते हैं, उसका टाइम टेबल भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग लाइव प्रूफ देखेंगे कि कैसे आप उसका जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, उसका जो मेन एग्ज़ाम है उसका टाइम टेबल आप यूराइज पोर्टल से कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो यही आज के इसकी वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं, लाइव देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अभी अभी अपडेट आया है, अभी अभी जो यूराइज है वो अपडेट हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग यूराइज पोर्टल को ओपन करके वहाँ से अपने अपने किसी आप किसी भी ब्रांच के हों, सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स अपने टाइम टेबल को देख सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट का एग्जाम कब है उनका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको जाना है क्रोम ब्राउजर पे। ठीक है, सबसे पहले आपको जाना है क्रोम ब्राउजर पे। जैसे ही आपका क्रोम ब्राउजर ओपन होगा तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यूराइज। ठीक है, यूराइज लिख के सर्च कर देना है। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन आएगा यूराइज स्टूडेंट लॉगिन। स्टूडेंट लॉगिन में आपका यूजर नेम या फिर यूजर आईडी और पासवर्ड ले मांगेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा। मैं अभी लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे लॉगिन मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं लॉगिन हो गया है। यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं, यहाँ पे जो यूराइज पोर्टल है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम टाइम टेबल न्यू यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे शो करेंगे तो मेरा सब कुछ आ गया, एनरोल नंबर, नाम हम सब आ गया, फादर्स नेम आ गया, ब्रांच सब कुछ आ गया। और यहाँ पे देखेंगे तो सारे आपका जो भी सब्जेक्ट है, मुझे 7-4 सब्जेक्ट देना है इस बार। ठीक है, एग्जाम तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग है, वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन है, माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग है। और कब कब इसका एग्ज़ाम है, कितनी बजे से, ये भी आपका यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं तो जो मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है 21 को है और 2 बजे से है। और यहाँ पे देखेंगे माइक्रोवेव इंजीनियरिंग जो है वो 23 को है। ठीक है, 11:30 बजे से। और जो वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन है वो 25 को है 9 बजे से। और जो आपका माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम है वो 27 को है 2 बजे से। ठीक है, तो सारे लोग आप किसी भी ब्रांच के हो इस तरह से अपना टाइम टेबल देख सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जो भी आपका रियल है उसमें शो करेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि बार बार टाइम टेबल चेंज हुआ है इस कारण से। तो यहाँ पे देखेंगे यूराइज से अपना एग्जाम टाइम टेबल देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपका एग्जाम कब से है। ठीक है, सभी लोग अपना यूराइज पोर्टल खोल के वहाँ पे देख सकते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यही अपडेट है आज का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बीटीयूपी की तरफ से कोई भी अपडेट आता है तो आप तक सबसे पहले पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि आज तो 10 बजने वाला है लेकिन अभी तक कोई भी यूजर आईडी या पासवर्ड नहीं दिया गया है। ठीक है, कोई भी यूजर आईडी या पासवर्ड बच्चों को नहीं मिला है मॉक टेस्ट के लिए। तो मॉक टेस्ट कैसे होगा अभी इस पर भी संशय बना हुआ है, क्योंकि अभी यूजर आईडी पासवर्ड मिला नहीं तो कैसे हो पाएगा। आज 14 हो ही गया। ठीक है, 14, 16, 17 को होने वाला है जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका मॉक टेस्ट। तो देखते हैं अगर कोई भी अपडेट आता है, जैसे ही यूजर आईडी या पासवर्ड ईमेल पे आता है तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।